मतलब मैं सिद्धार्थ को हमेशा बोलती थी हाय मेरे को ना शिवानी बहन के साथ बात करनी, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये वो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शहनाज गिल के बारे में। शहनाज गिल का बहुत दिनों बाद एक इंटरव्यू आया है जिसमें वो ब्रह्म कुमारी शिवानी से बात करती हुई नजर आई हैं। शहनाज गिल ने सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर बहुत सारी बातें की हैं जो शायद आप नहीं जानते हैं। आगे चल के मैं आपको पूरा इंटरव्यू दिखाने वाली हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आप ये इंटरव्यू देखिए। का ऑरा बहुत ज्यादा, जैसे आपके साथ हाँ मुझे बात करके बहुत, मतलब मैं सिद्धार्थ को हमेशा बोलती थी हाय मेरे को ना शिवानी बहन के साथ बात करनी, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये वो। तो उन्होंने मेरे को हमेशा यही बोला कि पक्का, अरे पक्का करेंगे, पक्का करेंगे, देखना तू चिल कर ये वो, है ना, हाँ करेंगे। तो मतलब वो हुआ, हाँ तो बिल्कुल मेरे मन में इच्छा थी कि राइट, आपके तक मैं भी पहुंची वो चीज। यस हमारी जर्नी अभी है, उनकी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, उनका कपड़ा चेंज हो चुका है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आ चुके हैं, बट यस शक्ल जो है वो चेंज हो गई है, बट वो किसी ना किसी के वो दोबारा इस रूप में आ चुके हैं यस कि उनका मेसा अकाउंट अभी के लिए बंद हो गया था, फिर मैं भी कंटिन्यू होगा। मैं तो हमेशा ये ऑफ सोचती हूँ, जैसे फिल्म में होता है तो हम वो लिखा जाता है ना, जब हीरो की कोर्स खत्म नहीं होता, नेगेटिविटी चलती रहती, तो लिख देते विल बी कंटिन्यू, मतलब हैप्पी एंडिंग होगी ही होगी कभी ना। मुझे अच्छे लगते हैं ईश्वर, हाँ क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती हूँ, मतलब लोगों को भी, जैसे किसी ना किसी का कोई ना कोई चला ही जाता है ना, हाँ जी तो मुझे लगता है जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि हमें हमेशा ये नहीं सोच, नहीं हमें और रहना था, अभी मेरा ये नहीं पूरा हुआ, ये नहीं पूरा हुआ। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी कितनी अच्छी मेमोरीज है, मतलब लोग क्या, मैं भी थी, बॉडी कॉन्शियस ज्यादा है, तो मैं अब जो सोल कॉन्शियस हूँ, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि उस आत्मा ने मुझे कितनी, कितना ज्ञान, कितना, मतलब मेरे को जो चीज ना समझ थी, लोगों को एनालाइज नहीं कर पा रही थी, सब पे ट्रस्ट करती थी, तो बहुत ही इनोसेंट थी मैं पहले, तो उस आत्मा ने मेरे को इतना कुछ सिखाया लाइफ में, आत्मा ने मुझे कितनी, कितना ज्ञान, कितना, मतलब मेरे को जो चीज ना समझ थी, लोगों को एनालाइज नहीं कर पा रही थी, सब पे ट्रस्ट करती थी, तो बहुत ही इनोसेंट थी मैं पहले, तो उस आत्मा ने मेरे को इतना कुछ सिखाया लाइफ में आगे, तो उस परमात्मा ने ही मुझे उस आत्मा के साथ हाँ रखा, मतलब एज अ फ्रेंड, यस कि वो मुझे कुछ ना कुछ सिखा सके लाइफ में। उस 2 साल में मैंने इतना कुछ सीखा, तो शायद वो परमात्मा ने ही उसको, कि ये गलत, शायद इसका रास्ता जो है, मेरा रास्ता जो है परमात्मा की तरफ जाना था, तो राइट इसी वजह से ये आत्मा मेरी लाइफ में आई, उसने मेरे को इतना कुछ सिखाया, तुम लोगों के साथ मिलाया, और मैं इतना स्ट्रांगली हर चीज को हैंडल कर सकती हूँ, मतलब मैं इतनी स्ट्रांग हूँ। मतलब बात करने का यही है कि मैं लोगों को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, हाँ मुझे जी इतना प्यार करते हैं, मैं चाहती हूँ कि उनको भी पता चले कि मैं किस रास्ते हूं, हाँ तो उनको भी, मतलब पॉजिटिविटी के, पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा ध्यान दो, राइट नेगेटिविटी जितना बढ़ाओगे, जितना बढ़ाओगे उतना ही यस बढ़ेगी, है ना, यस मतलब एक दो फिर चार और मजे लेंगे, पांच और, यस 10 12, है ना, तो उसको जितना हम रोक सकते हैं, उस लोगों को कोई बात हाँ नहीं, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, मतलब नेगेटिविटी को भी अगर हम ऐसे लेके, अच्छे हाँ के लिए हो रही है, अच्छे के लिए, हाँ हम बस परमात्मा शक्ति दे सहने की, बिल्कुल हम सब सोचते हैं हम इनको बहुत प्यार करते हैं, हम इनको बहुत प्यार करते हैं, हम इनके बिना रह नहीं सकते, बट ऐसा नहीं है। हम अगर रियलाइज जैसे करें तो हमें लगता है हम सबसे ज्यादा खुद को प्यार करते, लेकिन हम फंस गए हैं इन चीजों में, अटैचमेंट में, कि नहीं हम तो उनको ज्यादा प्यार करते, बट सच ये है कि इंसान जो है सबसे पहले खुद को ही देखना पसंद करता है, अगर फोटो भी हो, ग्रुप फोटो भी हो, उसमें सबसे पहले मैं खुद को ढूंढूंगी, मैं अच्छी लग रही हूं या नहीं अच्छी लग रही है, मेरे को ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए, तो मतलब पहले मैं खुद को देखूंगी, फिर दूसरों के ऊपर ध्यान जाएगा मेरा, तो हम सबसे पहले खुद को ही प्यार करते हैं, और
ये इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर हम अपने आप को प्यार, पहले मेरा क्या था ना, मैं सारा दिन नहीं मैं इनको प्यार करती हूँ, मेरा चाहे नुकसान हो जाए चलेगा, बट इनका नहीं होना चाहिए। वो अच्छी चीज है, लेकिन अगर मैं खुद का ही ध्यान नहीं रखूंगी तो मैं उनका ध्यान कैसे रख पाऊंगी। मेरी क्वालिटी डिसाइड करेगी, मेरा टैलेंट डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सा प्रोजेक्ट मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा। तो फिर आप अपनी मेहनत पर वर्क करेंगे और उनको आप रिस्पेक्ट करेंगे, उनको आप रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन आप उनसे डरेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा वो नहीं कंट्रोल कर रहे आपकी लाइफ को, वो तो आपको अच्छी लाइफ लीड करने की भी शिक्षा दे रहे हैं। तो परमात्मा से हमने डरना क्यों शुरू किया? क्योंकि हमें पहले ये बिलीफ सिस्टम मिला कि भगवान हमारी डेस्टिनी लिख रहे हैं। फिर जैसे ही हमारी जीवन में कोई सीन ऐसी आती, आई एम श्योर आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा, एंड जब सिद्धार्थ आगे चले गए अपनी जर्नी पर, आई एम श्योर किसी ना किसी ने आपको आके कहा होगा कि शहनाज, ईश्वर की ये मर्जी थी, ईश्वर की मर्जी के आगे हम क्या कर सकते हैं। अब इंटेंशन बहुत प्योर होती है क्योंकि बचपन से ही ये बात सुनी होती है, लेकिन हमारा मन एक सेकेंड रुक कर बोले, ईश्वर को मेरे से या उनसे थोड़ी कोई प्रॉब्लम थी कि जो वो मेरे साथ ऐसा करते, तो वो ईश्वर की मर्जी से नहीं गए हैं दूसरे कॉस्ट्यूम के अंदर। हमारा ये कार्मिक अकाउंट था, इतने ड्यूरेशन के बाद उन्हें एक नए कॉस्ट्यूम में जाना था। तो फिर हम भगवान से डरते नहीं, उल्टा जब हमारे जीवन में ऐसी सीन आती है, हमें उसको क्रॉस करने के लिए जो पावर चाहिए, हम भगवान से वो पावर, वो शक्ति, वो प्यार लेते हैं। लेकिन अगर मेरे अंदर ये फिट हो जाए कि वो जो आगे गए वो ईश्वर की मर्जी से गए, तो मुझे वो ईश्वर कैसा लगेगा फिर, जिसने मेरी अच्छा लाइफ पूरी ऐसे वैसे हो गई, तो मुझे वो ईश्वर तो अच्छा लग ही नहीं सकता उस टाइम पर, और नहीं, इसीलिए फिर हम डरना शुरू हो जाते हैं उससे। बट मुझे अच्छे लगते हैं ईश्वर, हाँ क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती हूँ, मतलब लोगों को भी जैसे किसी ना किसी का कोई ना कोई चला ही जाता है ना, हाँ जी तो मुझे लगता है जो